Hey guys, welcome to this channel. This is Shubham Bhair. Hope you all are doing well. आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. This is my first vlog of my YouTube channel. इससे पहले मैंने अपने YouTube channel पे काफ़ी सारे short videos, dance videos या जो भी मैंने event में participate किए हैं तो एक दो videos मैंने वो डाले हैं. पर अभी recently कुछ times ऐसे मन में आ रहा था कि थोड़ा content और enhance करूँ, तो अभी मैं व्लॉग से स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं एक सी ए एस्पिरेंट हूँ. अभी रिसेंटली मेरे सी ए इंटर का सेकेंड ग्रुप में मेरे दो पेपर बाकी थे, तो मैं एग्ज़ाम देने अपने होम टाउन आया था. वैसे मैं अभी पिछले एक साल से अहमदाबाद स्टे कर रहा हूँ. वहाँ पे मेरा आर्टिकलशिप चल रहा है सी ए इंटर्नशिप. तो अभी 21 मई को मैं वापस वहाँ जाने वाला हूँ. ट्राई करूँगा कि मंथ में एटलीस्ट 3 to 4 ब्लॉग्स ट्राई करूँगा कि पोस्ट कर ही दूँ मैं. पर अभी अब सी ए लाइफ, जो सी ए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, उनको पता होगा कि एक सी ए को अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पैशनेट लाइफ को कैसे साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल है वो चीज़. पर आई विल ट्राई माई बेस्ट. वैसे मैं अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो सोचा 2-3 दिन कहीं चिल करके आऊँ. तो मैं अपने फ्रेंड प्रियांशु, उससे मिलने दिल्ली जा रहा हूँ, और एक काम भी है मेरे को खुद को भी. तो आज शाम को ही मैं निकलने वाला हूँ, तो अभी उसकी पैकिंग कर रहा हूँ. टाइम लैप्स देखिएगा जरूर, और वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक. वीडियो को देखिएगा और वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. ओके, तो मिलते हैं आगे वीडियो में. गाइज, अभी करंट स्टेटस ऐसा है कि मेरी पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, पर मेरे अभी मैनेजर मतलब जो प्रिंसिपल जिनके अंडर मैं सी आर्टिकल शिप कर रहा हूँ, उनसे मेरी बात हुई. ही सपोज डेट आई विल बी देयर ऑन मंडे ओनली, बट अनफॉर्चुनेटली मैं 22 को रिजॉइन करने वाला हूँ. मैं भी सर को अपडेट देना भूल गया था कि सर मैं अभी 2-3 दिन बाद आने वाला हूँ. तो अभी जिन लोगों को पता होगा कि भाई 31 में लिस्टेड कंपनीज की लास्ट ड्यू डेट होती है फाइनेंशियल अपलोड के लिए, तो वो असाइनमेंट है अभी मेरे एक्सपोजर में. तो अभी सर ने बोला इफ़ पॉसिबल हो सके तो तुम वहीं से ड्राफ्ट रेडी करके आना. पर मेजर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें टेली प्राइम भी सपोर्ट नहीं कर रहा और लैपटॉप में भी कुछ इश्यू है. वैसे मैं अभी नया लैपटॉप लेने ही वाला हूँ, पर अभी सॉल्यूशन मैंने ऐसे देखा, कोई फ्रेंड का अरेंज हो जाए लैपटॉप तो मैं उसमें ड्राफ्ट रेडी कर लूँगा. जब मैं बाई ट्रेन जब जाऊँगा तो ट्रेन में मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, या जैसे भी टाइम मिलेगा तो मैं फाइनेंशियल रेडी करके रखूँ. और अभी मेरे को मार्केट भी जाना है, बहुत टाइम हो गया बाहर का कुछ नहीं खाया था एग्ज़ाम टाइम में. तो अभी दोस्त लोगों से भी मिलने गए और बाहर मार्केट में कुछ खा के आता हूँ. मैं आऊँ प्रणाम गुरु, 2 दिन में जा रहा हूँ दिल्ली. ठीक है, आऊँगा प्रणाम गुरु. ठीक है भाई, जो भी लाना मैसेज कर दिया मैंने. 7:45 हो गए, अभी मैं स्टेशन जा रहा हूँ. अब डायरेक्ट आपको ट्रेन में मिलता हूँ. गाड़ी निकालो ड्राइवर. जो मेरा दोस्त लैपटॉप लाने वाला था वो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बीकानेर जा रहा है, तो लैपटॉप तो अरेंज नहीं हुआ. अभी टाइम पास कैसे करेंगे देखते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अपने पहुंच गए दिल्ली. प्रियांशु आने वाला है तो जल्दी उससे मिलते हैं और आपको दिल्ली का ट्रिप दिखाते हैं एकदम बढ़िया. गुड मॉर्निंग, सामान उठो. बजे हैं? हाँ जी गाइस, तो हम रेडी हो गए, अभी जा रहे घूमने. ये देखिए भाई साहब, एकदम हीरा चमक रहा है. ये नाइकी के शूज, बैग. हम तो भाई देखो, अरे मारा आउटफिट तो दिखा दे भाई. तुम गई वो क्या आउटफिट दिखाएं तुम्हारा. अभी हम लोग जा रहे हैं एम्बियंस मॉल. उसके लिए हमें यहाँ से पहले रिक्शा करना पड़ेगा, फिर वहाँ से मेट्रो स्टेशन, फिर एक और मेट्रो चेंज करनी है. उसके बाद और बात किसी जगह बताई तो सिकंदरपुर से ऑटो करेंगे, ऑटो से फिर. ठीक है, अपने पास ट्रेवलर गाइड है तो ये अपने को घुमाएगा दिल्ली बढ़िया से. इतनी देर हो गई, अभी तक मेट्रो में कोई लफड़ा नहीं देखा.
गलत मीटर में आने लगे। एक काम करते हैं, आंटी जी खाद ऊपर करके खड़ी है उनके अंडर आर्म्स में डियर चढ़ के कुछ नहीं बोलते। अरे सही गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए एम्बियंस मॉल। ये देखिए क्या बात है। तो अभी हम यहाँ पे बॉलिंग करेंगे और थोड़ा मूवी भी सोच है कि मूवी को गाड़ियाँ देखो कैसा है। तो बड़ी बड़ी बात है, देखते हैं पहले बॉलिंग करते हैं फिर मूवी का भी प्लान है। अभी सिक्योरिटी चेक कर रहा था। उसी स्टोर में जाएंगे जिसकी सेल्समैन बढ़िया होगी, मतलब ऐसा बात करने और मैं अच्छा। समझ रहे ना तो ठीक है चल चलते हैं। भाई ये शर्ट देख क्या भाई, तो सामने क्या लिखा है? ओ गेट, ये एंड है गेट है भाई। जाते हैं निशाना आपका बड़ा तेज है। गाइस हम लोग का गेम जोन तो कंप्लीट हो गया भाई, मजा आया कि नहीं आया? सबसे बेस्ट स्टफ वीआर वाला। अभी हम लोगों को भूख लगी है तो कुछ खाने का सोच रहे हैं। अभी पीछे इतनी कुछ है खाने की चीजें शुरू करते हैं आज का लंच ऑन सनशाइन स्पेशल जेमी ओलिवर किचन। कैसा लगा भाई खाना? हमारी पिज्जा की ये केचप के साथ पिज्जा खाने वाले लड़के। गाइस हमने जोश जोश में बहुत बड़ी मील ऑर्डर कर दी, अब खाया नहीं जा रहा हमसे। क्या करना भाई? टिप तो रख भाई, टिप इंक्लूड है भाई, ऊपर है। हमारा लंच हो गया है, हम वापस लंच किया था जेमी ओलिवर किचन में। फूड वाज ओके ओके, क्योंकि हर चीज नई ट्राई की थी। पता नहीं कौन सा पिज्जा था, पेनी आ रहा है पिज्जा जीती थी तो उसमें हमको ये दो क्रैनबेरी फूल बग मिली है। चलो थोड़े पैसे वसूल हुए। अभी मॉल ऑलमोस्ट पूरा देख लिया, अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। तो गाइज हमने मॉल से एग्जिट ले लिया है। दिल्ली की गर्मी भाई साहब 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री टेम्परेचर, बाप रे। अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन जाने के लिए। मेट्रो कितना दूर है? 10-15 मिनट। ओके तो पहले रिक्शा करते हैं हम लोग, फिर वहाँ से मेट्रो, फिर हम जाएंगे करोल बाग। तो देखते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है तो मार्केट जाते हैं, देखते हैं कैसा है दिल्ली का मार्केट। लोग तो बहुत ऐसे वीडियोस डालते हैं करोल बाग सरोजनी का, देखते हैं जाके एक्सप्लोर करते हैं कि रियलिटी में वैसी चीज़ें मिलती है चीप रेट्स पे या नहीं। तो मिलते हैं आपको वहाँ पे मार्केट में। देखो इसे लाल टमाटर हो गया भाई, क्या गर्मी पड़ रही है। एक बेल बनाओ बढ़िया चटपटी, बिना मिर्ची, कम मिर्ची, नॉर्मली रही। तो
लो भाई खाओ। सेव पूरी पहले बनाई है आए जी के खा तो सही। हां बिल्कुल हां तो खा ले ना भाई। नमस्ते वनीला प्लस चॉकलेट और क्या स्टेटस है भाई अभी? अभी जाएंगे घर, घर जाके एक दो घंटा सोएंगे फिर वापस रात को निकलेंगे 8:30। इतनी गर्मी है ना गए, बहुत थक गए। सुबह 11 बजे निकले हैं, अभी 6 बज रहे हैं। अब रात को हम लोग कहीं क्लब वगैरह जाने वाले हैं, तो अभी घंटा डेढ़ घंटा जाके सोएंगे, तो रात को थोड़ा इंजॉय कर पाएंगे। हम लोग घर पे आ गए हैं, अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर रात को पार्टी के लिए हम लोग बाहर जाने वाले हैं। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ट्राई कर रहा हूँ कि 9 से 10 मिनट का ही हर व्लॉग हो, ताकि लोग भी बोर ना हो अगर ज़्यादा बड़ा व्लॉग होगा तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। इन केस अगर व्लॉग छोटा होगा तो मैं आगे का पार्ट भी इसमें ऐड कर दूँगा। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।